जो एज है उहदे विच काफ़ी हारमोनल चेंजेस होंदे ने एंड यूजुअली होंदा है कि बच्चे गेट अट्रैक्टेड टू दी ऑपोजिट जेंडर राइट ते उस टाइम हाउ टू टेल द किड्स दैट दिस इज लाइक बच्चों नूं समझाया भी जाता है कि फोकस ऑन द स्टडीज बट आई थिंक इट इज़ द बायोलॉजिकल चेंज ऑल्सो बट बच्चे मनते ही नहीं एंड दे फील कि नो हमारा हमारी तो एज है अगर हम वे गेटिंग अट्रैक्टेड सो वॉट सो लाइक हाउ टू करेक्ट दैम या हाउ टू गेट दैम ऑन द पाथ एट टाइम्स बच्चे शेयर भी कर रहे हैं पेरेंट्स ना बट कुछ बच्चे जो शेयर मतलब आके भी दस दिन सू बच्चे कि साढ़े फलाने फलाने फ्रेंड्स ने इस तरह गर्लफ्रेंड्स ने बॉयफ्रेंड्स ने तो कुछ बच्चे शेयर नहीं भी करते बट अल्टीमेटली वॉट वी फील इज दिस इज़ नॉट एन एज दैट दे डू ऑल दिस वी टेल दैम कि नहीं यू फोकस ऑन स्टडीज बट दे फील सब तो करते हैं सबके तो हैं तो वाई वी कैन नॉट हैव और वी कैन नॉट गेट अट्रैक्टेड उसमें गलत क्या है जरा सब तो करते हैं सबके तो हैं ऐसे कोई लॉजिक ही नहीं है ना बेस लेसन ना वी जी आजकल बच्चों का यही है सब बच्चों के पेरेंट्स अलाउ करते हैं सब बच्चे करते हैं हमें नहीं अलाउ किया जाता आप लोग ही टोकते हो आप लोग ही मना करते हो दिस इज व्हाट इज समथिंग कॉमन आई थिंक ऑल पेरेंट्स विल रिलेट विद इट कि दे कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन आपको नहीं पता वो दूसरे बच्चे क्या करते हैं हम तो अभी सुधरे हुए हैं दिस इज हम तो सुधरे हुए हैं हाँ तो ठीक है ओके अपना अपना लाइफ बारे आप कंपेयर करके देखना है सी आई फील पर जो बायोलॉजिकल चेंज है उन्हें तो नेचुरल है ना दैट्स नेचुरल बट दिस फील दैट वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड तो उसमें गलत क्या आप हमें क्यों रोक रहे हो कौन कर रहा है गलत है उसकी तो बात ही नहीं चल रही कि ये गलत है आप देखो कि आप अपने आप को अपना जो करियर बना रहे हो अपना जो करेक्टर बिल्डअप कर रहे हो आपने फ्यूचर में क्या बनना है आप उसके लिए कितना टाइम लगा रहे हो वो आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अच्छा अभी रिसेंटली मेरे को एक का पता लगा रिया की कज़न शी गॉट मैरिड और आफ्टर मैरिज उसने बेबी कंसीव किया है और ड्यूरिंग दैट पीरियड उसको फीलिंग आई कि मैंने पायलट बनना है तो वो पायलट बन गई है बेबी भी हो गया उन्हें फीड भी कर दिया सब कुछ कर दिया वो अपने आप नू स्केड्यूल उन्हें किया होया कि ऐसे मैं बेबी कैसे करूंगी ऐसे मैं ये करूंगी ऐसे मैं वो करूंगी इतने बजे मैं जाऊंगी ऐसे मैं फ्लाइंग क्लासेस लूंगी ये करूंगी वो करूंगी तो तुसी अपने आप नू स्केड्यूल किया होया इहदा मतलब बच्चा जदों अपने बारे सोचेगा ना कि मैंने क्या बनना है exactly. उसने सोचा मैंने पायलट बनना है तो उन्हें अपने आप को स्केड्यूल कर लिया तुसी की करन जा रहे हो की बनन जा रहे हो अपना उहदा तुसी स्केड्यूल करोगे ना या वेलिया वांगू ही सिर्फ कंस्यूमर बन के ही रहना फिर तो तुहाडी अपनी सैल्फ एस्टीम भी नहीं बनेगी तो एंगर भी बढ़ेगा और एग्रेशन भी बढ़ेगा दिल फील फ्रस्ट्रेटेड देन हाँ फिर वो एंगर नू रिलीज करने वास्ते शराब पीनी पड़े जाएगी एंगर नू रिलीज करने वास्ते हुक्का पीना पै जाएगा एंगर नू रिलीज करने वास्ते किते मल्टीपल सेक्स अंदर जाना पेगा तो हम इन्हीं गेमों में फंसे रहेंगे क्या मेरे को बस यही फीलिंग रहती है कोई मेरे को देख रहा है और मैं कैसा लग रहा हूं लग रही हूं बस इसी के मैं दूसरों की आंखों से अपने आप को जज करती रहती हूं करता रहता हूं क्योंकि मेरे पास अपनी क्वालिटीज का वो नहीं है अच्छा दो मुंडे इस करके लड़ पे एक कोल मारुति सी दूजे कोल मर्सिडीज सी उन्हें दोनों फन करन आए ने घरों मां प्यो ना लड़के आए ने राती उन्हें मना किया होना दोनों अपनी अपनी कार चुक के आ गए ने अबे जा तेरा बाप क्या कमाता है देख हम तो ये कमाते हैं हम मेरी ये कार है तेरे बाप ने तेरे कर वो दोनों इस गल से लड़ पे अब तो कार किस लिए यूज की थी आने के लिए अब आए हैं तो अब स्टैंडर्ड की गेम की स्टेटस की गेम शुरू हो गई है एंड अप किथे होया फाइट बहस तो ए फार साइटेडनेस द चिप
ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰ ਸਾਈਟਿਡਨੈਸ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਲੂੰਗਾ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮਸਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ।